वेव पूरे देश भर के अंदर, हम कह सकते हैं पूरे विश्व भर के अंदर चल रही है इस वक्त। और प्रशासन की तरफ से हम अगर देखें तो कोविड टेस्ट भी हो रहे हैं आज की तारीख में, और जिस प्रकार से कोविड टेस्ट की दर बढ़ रही है उस प्रकार से केसेस भी निकल रहे हैं। इसका विशेष रूप से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 महीने से जो लोगों के बीच में लापरवाही आ गई थी और हम लोग सोचते थे कि सचमुच में कोविड खत्म हो चुका है, और लोगों ने जिस प्रकार से मास्क पहनने छोड़ दिए, डिस्टेंस में बैठना छोड़ दिया था, आज मैं ही सबसे कहना चाहता हूँ दोबारा एक बार कि हम लोगों को कोविड की एहतियात बरतनी चाहिए। और कोविड जिस प्रकार से कल एक डिबेट के अंदर डॉक्टर्स का कहना था कि ये जो महामारी है ये 2 साल 3 साल भी चल सकती है, 4 साल भी चल सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा एक जो दुष्प्रचार किया गया कांग्रेस की तरफ से, जो कोविड की वैक्सीन जो पूरे देश भर में लगाई जा रही थी और कांग्रेस द्वारा इसका विरोध और इसके खिलाफ बोलना कि ये मोदी इंजेक्शन है, मोदी टीका है, ये बड़ा गलत था। और समय रहते हुए मैं यही हर व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जाकर अपनी कोविड की ये डोज लीजिए। कोविड की डोज वैक्सीन लेने के बाद अगर कभी बारिश हो जाती है तो आपके कपड़े गीले होते हैं, ये उस बारिश में छाते का काम करती है। कुछ छींटे तो आपके ऊपर बारिश की पड़ेंगी, पर जानलेवा इस बीमारी से आप बच जाएंगे। इसलिए हम सब ने मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब पहली वेव थी इस महामारी की, तो उन्होंने सबको ये जिताया था कि हम लोग सावधान हो जाएं, डिस्टेंस रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें। और उसके साथ साथ उन्होंने जिस दिन प्लेटें थपथपाई थी और हर व्यक्ति ने देश भर के अंदर छतों के ऊपर चढ़कर प्लेटें जब बजाई थी, गलियों में थाली ढोलक बजाए थे, तब भी कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था। कभी भी घंटियां और थाली बजाने के बाद जो वाइब आती हैं, उससे मेरे को लगता है क्या मंदिरों के अंदर और गिरजाघर के अंदर घंटी बजाने का मतलब यही होता है कि अच्छी वाइब्स आए, नेगेटिव वेव दूर हो और पॉजिटिव वेव आए। और उसके बाद जब उन्होंने दिया जलाने की बात बोली रात को, और दिया जलाने से आतंकवाद दूर करके उजाले की तरफ बढ़ने की बात बोली, और देश सब जो अपना दिल छोड़ बैठे थे यहाँ के हिंदुस्तानी हमारे साथी, उनको एक नई चेतना और नई सुबह दिखाने के लिए ये सब कार्यक्रम मोदी जी द्वारा दिए गए थे। आज भी हमें उनका स्मरण करते हुए, पहले भी हमने जो पहली एक वेव थी उसके साथ हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों ने लड़कर उसको ख़त्म किया, ये दूसरी वेव भी हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी और देश भर के निवासी इसको खत्म करेंगे। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कुछ नहीं हो रहा कि कहीं भी लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है, समय समय पे टेस्टिंग हो रही है। अगर हम आप बाजारों में भी देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी फेस मास्क लगाने की प्रार्थना की जा रही है, इवन चालान भी किए जा रहे हैं, ये हमारी भलाई के लिए हैं। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो ऑक्सीजन की इस बार कमी नहीं है, वहाँ टेस्टिंग हो रही है। और लोग कुशल जो लोग इसमें पॉजिटिव हो भी रहे हैं, वो जल्दी कुशल होकर अपने घर पे आ रहे हैं।